वो जैसे पकड़ना था ना वो गंडासा नहीं होता था अजीब सा इंसान है। मलिक खानी दादी वाला उसके पास बिल्कुल कोई फोन नहीं है, उसके पास कोई आईफोन शाईफोन नहीं है, ऐसे लोगों को आईफोन बांट रहा है। कहीं तो बाल होंगे ना उसके, आपने कौन से सारे बाल देखे उसके? आपको जो पैसे मिलते हैं ना आप तो सबको चुमिया देंगी, जहाँ आपको पैसे मिलेंगे आप चुमिया देंगी। बड़ा है टिटू का हर चीज बढ़िया, आपने तो दिमाग ही देखा जी, बाकी सब कुछ बढ़ा। मुझे एक बात बताओ, आपने वो डंडे वाला जूस पिया कभी? वो गन्ने का जूस जिसको कहते हैं कभी पीते है? पीर वो गन्ना किधर जाता है? अब क्या देखना शुरू कर दिया, जैसे पागल हो रहे हो। टीटू ने भी मेरी टिकटॉक आईडी बना ली है, लिया बनाया है टीटू ने अपना, तो उसमें ये कैसे करता है वो पागल है, वो अपना मजाक बनाने के लिए मजाक नहीं उड़ाते, वो टिकटॉक बनाते हैं यही वाली। उनका इतना मजाक बनता है, उनका इतना डी फ्रेम होता है कि लोग उनको टीटू का मजाक बनेगा तो टीटू का टीटू को लोग देखेंगे ना, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा टीटू। टीचर जी आपको कौन पसंद करता है? मुझे लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। क्या काम करती हूँ? वो अजीब से लोग आ जाते हैं डंगरों की तरह। काम क्या करती है मुझे ये बताएं। मैं डिसेंट वीडियोस बनाती हूँ। कौन सी डिसेंट वीडियो बनाई है आपने आज तक? टीटू शायद आपको नहीं पता लेकिन दुनिया को पता है कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ। क्या बनाती हो अच्छा? कुछ भी नहीं आज तक आपने बच्चा बनाया, रोला रोला डाल के चली जाती हूँ। रोला रोला बात रोला टीटू की, तो मेरी जुबान टिका है, टीटू की जुबान भी तो देखो। मैं जुबान चलाती हूँ, जुबान दिखाती नहीं हूँ। आपने क्या बनाया टिकटॉक पे, कितनी चीज की वीडियो आती है उसके ऊपर, आपने क्या बनाया अब तक? मैंने टिकटॉक बनाई है और मैं जाती हूँ, वो लोग इतनी देर से बना रहे हैं, मैंने अभी अभी बनाने शुरू किया तो थोड़ा टाइम लगता है फेमस होने में। टिकटॉक को भी फेमस होने में टाइम लगेगा, तुम कहती हो टिकटॉक भी बनाया सुबह फेमस हो जाए। शट अप टिकटॉक, आपको गंदे काम तो करेगा नहीं कि तो सुबह जाकर फेमस हो जाए। हर कोई इतनी जल्दी नहीं आ जाता, आजकल तो अजीब लोगों ने ट्रेंड चलाया। गंदे काम करो आजोगे, अभी तुम गंदी वीडियो बना के डालो अपनी पेज। वो तुम्हें नहीं पता एक टकला सा पाइया था, गंजा मुंह ना मथा थे जिन पाड़ो था, क्या अजीब सा इंसान है मलिक खानी दादी वाला। अजीब लोगों ने, आप खुद तो आए अपनी फैमिली मेंबर को भी आप बीच में लाकर खुद फेम उनके थ्रू हासिल कर रहे हैं कि कोई सी क्लाइंट उसकी दाढ़ी है ना, मैं उसको 12 प्रो मैक्स दूंगा, व्हाट रबिश। मुझे उसके पास फुट भी तो फोन होगा, ये इतना अच्छा उसके पास बिल्कुल कोई फोन नहीं है, उसके पास कोई आईफोन शाईफोन नहीं है, ऐसे लोगों को आईफोन बांट रहा है। तो वो अब गंजा तो बेचारा क्या करे, उसके तो बाल भी नहीं है तो वो कुछ तो करेगा ना। तो वही तो कह रही हूँ, देखो अब उसके पास कुछ ना, उसके पास एक बाल का जर्रा तक नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कहीं तो बाल होंगे ना उसके, आपने कौन से सारे बाल देखे उसके? मैंने उसकी टिंड की बात की कि उसकी टिंड में कोई बाल नहीं है। आपको कुछ भी नहीं पता चाड़ा? तो मुझे सब कुछ पता है, तुम्हें पता है मेरे पास इतनी ग्रेट न्यूज है कि तुम सोचोगे ही नहीं। क्या होगा, कुछ होने वाला है आपके साथ? मेरी बात सुनो गौर से, ये तुम फालतू काम करते हो ना इसका कच्चा चिट्टा सब खत्म होने लगा है क्योंकि खुलने लगे हैं स्कूल। बचा मुझे वो अंकल जो है वो परसों स्कूल खुल जाएंगे, फिर टीटू नहीं कर सकेगा। ऐनक लगा के आया, मैं तो चुप्पी चढ़ने लगा था कि कोई अच्छी खबर सुनाएगा, कहता कि तुम लोगों के स्कूल खुलने लगे। अब तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं उनको चुप्पी कर लूं क्योंकि उन्होंने, आपको जो पैसे मिलते ना आप तो सबको चुमिया देंगी, जहाँ आपको पैसे मिलेंगे आप चुमिया देंगे। ऐसी लगती हूँ टीटू, तुम्हारी टीचर इतनी नेक है, तुम उनको ऐसे कहो कि शर्म नहीं आता तुम्हें? तो नेक ही जो चुमिया जाती है, जितनी नेक होती है पहले जाती है फिर नेक काम करती है। तुम बच्चे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत बड़ा है। बस तुम्हारा दिमाग ही छोटा है और कुछ भी नहीं है। बड़ा है टीटू का हर चीज बढ़िया, आपने तो दिमाग ही देखा जी, बाकी सब कुछ बस ये तुम्हारा मुंह बड़ा है और तुम्हारी सोच बड़ी है, बच्चे वाला तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है। बच्चा तो टीटू बड़ा हो रहा है ना, तुमसे भी बड़ा हो रहा है टीचर, तुम्हें पता है मेरे से बड़े हो रहे हो लेकिन दिमाग में बड़े हो। अब तुम्हारा स्कूल खुलेगा, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, डंडे मारूंगी, वाओ कितना मजा आएगा टीटू। तुम्हें डंडे मारने का मजा आता है? बहुत। टीटू को भी मजा आता है डंडे लेने, ओ मार खाने का और डंडे का आता है। वो तुम्हारी आदत है टीटू, तुम्हें तो डंडे पड़ने चाहिए क्योंकि तुम हकदार हो डंडे खाने के, ठीक है ना? जी, मुझे एक बात बताओ, आपने वो डंडे वाला जूस पिया कभी? वो गन्ने का जूस जिसको कहते हैं कभी पीता है? पीर वो गन्ना किधर जाता है?
हम पी लेते नहीं पीछे वो जो उसके अंदर डालता है ना तो वो किधर जाता है कभी पीछे जाके देखे आपने नहीं तो फिर आपको क्या पता है मुझे सब पता नहीं तुम अपनी ये बेहुदा बातें जो है ना बंद कर दो ठीक है ना बेहुदा बातें करना ले जी ओ गन्ना भी तो पीती हो ना उसका जूस निकाल के हां हां पीती लेकिन अब बेटा तुम्हारे स्कूल की बारी है मुझे शफकत महमूद पे बहुत प्राउड फील हो रहा है तुम लड़की हो तुमने टीचर जो पीएन भाई बैठे उसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है तुम उसको देखने आती हो मुझे पता है हां जो चीजें मंगवाती हो बाहर जाती सारा कुछ मैंने देखा हुआ है अपनी तरफ से बड़े ऋतिक रोशन हीरो बन के आते हो लगता कहीं से भी नहीं हो तुम मैंने अभी तक उसका ऐसा कोई भी डायलॉग नहीं सुना वो जो चुप पड़ा था छुरा पकड़ के वाला क्या होता था जो टोका जिसे मार दे वो लेके निकल जाता था 10-10 लोगों को मारता था तुम्हें उनका कोई एक भी डायलॉग आता है बेवकूफ इतना प्यारा डायलॉग है जो तुमसे ना बोला जा रहा है ना कभी बोला जाएगा तो वो तो जो पुड़ाड़िया मारते होते हैं मौला नु मौला मारे ते पता नहीं कौन नहीं मरता मेनू नहीं समझ आ रही सही बताओ मुझे गंडासा लेकिन मैंने तुम्हारे जसामत को देख के ये अंदाजा लगा लिया है कि तुम हाथी जैसे हो लेकिन अगर तुम खुद को इम्प्रूव करो अपनी ये गंदी जुबान को और ये देखो जब ऐसा कोई काम हो तो मुझे आगे हाथ रख तो मैंने ये तुम्हारा हाथी जैसे जिसम से अंदाजा लगा लिया अगर तुम खुद को इम्प्रूव करो ना तो तुम एक बहुत बड़े स्टार बन सकते हो तुम्हें पता है कैसे बनूंगा बताओगी तू भी ना ऐसे ये क्या होता है तुम गंदे इशारे भी करना शुरू कर ये वाले स्टार बनोगे तो कभी भी वो वाले सितारे नहीं बन सकते तुम कौन से वाले सितारे वो जब जिस तरह भरे तो भूल जाते हैं वो किसी वो गंदी बातें कर रही हो आप आ गई हो तुम्हारा दिमाग ही गंदा है ए, तुम कैसे बच्चे हो टीटू तुम्हारे सफेद बाल आए हुए हैं तू टीटू टीटू गंदे काम करता है ना वो इसीलिए बाल सफेद हो जाते वो टीटू बड़ा हो गया है टीटू बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हें सही और गलत तुम्हें कैसे पता टीटू कितना बड़ा है फट से और गलत गंदी बात तुम बोल देते हो तू टीटू गंदी फिल्में देखेगा गंदी चीजें देखेगा तो गंदी और गंदी करेगा ना स्टार बनोगे इतने बड़े बड़े स्टार्स बनेंगे कितना अच्छा लगेगा वो भी टिकटॉक के ऊपर चले गए सारा काम टिकटॉक के ऊपर करते कभी नाचते अच्छे अच्छे कभी है टिकटॉक एक अलग फेम है अब वो टीवी पर भी आते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जिनको फेमस होने का कोई शौक नहीं होता है टिकटॉक एक जो है वो टाइम पास भी कहलाता है टीटू को भी कोई शौक नहीं है अपने शौक के लिए टिकटॉक बना लेते हैं उनको अच्छा लगता है वरना फेम तब हो जब आपको अच्छा कंटेंट डालो तब आप फेम हासिल कर सकते हो हर लल्लू पंजू तुम्हारी तरह ऐसे नाक में उंगली डाल के फेम नहीं हासिल करके लेके जा सकता